call is now being recorded. This call is now being transcribed. So, यहाँ पे जो CML की equation है, it is equals to sharp measure. अभी ये question करते हैं अपन सबसे पहले. ये question ध्यान से सुनना मेरा, अच्छे से. और फिर इसको answer करने का try करना, ठीक है? थोड़ा सा tricky है, but try करना. At a recent analyst meeting at Invest Forum, analyst Michelle White and Ted Jones, ठीक है, ये दो investors हैं. पहला है White, दूसरा है Jones. ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ तो कैपिटल मार्केट लाइन के बारे में, ठीक है. अब पहले स्टेटमेंट में ये लोग बोलते हैं, व्हाइट बोलता है, ठीक है. पहला स्टेटमेंट है व्हाइट का. व्हाइट क्या बोलता है, सीएमएल अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स होल्ड टू पोर्टफोलियोज, अ रिस्की पोर्टफोलियो ऑफ ऑल असेट्स वेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन. ये सही है, ये हमने कहीं पढ़ा है क्या कि जो हमारे पोर्टफोलियो के वेट्स होते हैं, वो जो हमारे पोर्टफोलियो का जो भी वैल्यू होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम वेट के अकॉर्डिंग करते हैं क्या? हाँ या ना बोलो मुझे, हाँ या ना बोलो. फिर दूसरा है अपना कि द रिस्क द, और फिर आगे इन लोगों ने क्या लिखा है, हाँ द रिस्क फ्री एसेट. दो मिनट, आई थिंक वेट अकॉर्डिंग एंड द रिस्क फ्री एसेट जो, हाँ ठीक है. ये क्या बोल रहा है कि ये रिस्क फ्री एसेट जो है हमारे, हम इसको मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और रिस्क फ्री एसेट के हिसाब से करते. अब जॉन्स ने क्या बोला वो भी पढ़ते हैं, ठीक है. सीएमएल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रेट फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. यहाँ पे जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का पॉइंट इन्हें बोला ना गलत है, क्योंकि यहाँ पे एफिशियंट पोर्टफोलियो आना चाहिए. हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, हम लोग कब से एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ रहे हैं ना. हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज ऊपर, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी था आई थिंक कि इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए हम नहीं लेते. हाँ देखो यहाँ लिखा है इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज अबव द, नहीं है ये लाइन नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन हमने एक जगह पे पढ़ा है ये चीज कि सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए ही हम लोग सीएमएल यूज करेंगे, ठीक है. CML is useful in determining the required rate of return for individual securities. तो individual securities के लिए नहीं होता, ये statement याद रखना, ठीक है. ये book में specifically नहीं लिखा है. Individual securities की जगह पे उन लोगों ने inefficient portfolio लिख रखा है, लेकिन inefficient portfolio और individual securities, इसलिए यहाँ पे efficient portfolio होगा तो right होगा. समझ में आई मेरी बात? इसलिए पहला statement तो right है white का. व्हाइट का स्टेटमेंट है वो राइट है, जॉन का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग. समझ में आई मेरी बात? ये मैंने अभी समझा दिया क्योंकि ये बुक में हमने पहले पढ़ा नहीं था. चले आगे, बट एक बार इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लो. इसका एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगी चीज. इसका नीचे कहीं लिखा है एक्सप्लेनेशन, हाँ एक बार ये एक्सप्लेनेशन रीड करो. देखो, a capital market line assumes all investors have identical expectations and use mean variance analysis, implying that they all identify the same risky tangency portfolio. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये वाला जो है हमारा हैरी मार्कोविट्स की थ्योरी MPT, इसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स जो भी होते सबके सब लोगों के आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. कोई भी इन्वेस्टर पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कर सकता है बट ये लॉजिकल चीज है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, याद है ये? हाँ. And combine that risky portfolio with risk-free asset when creating their portfolio. ये भी हमने पढ़ा था कि risk-free asset को risky asset के साथ मिला के खरीदते हैं जो risk averse होते हैं. Because all investors hold same risky portfolio, सब same risky portfolio hold करते, तो the weight of each asset must be equal to the proportion of its market value. कि उसको जिस proportion में हमने market में खरीदा उसकी equal होना चाहिए to the market value of entire portfolio. इसलिए white का जो statement है वो तो right है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरी main बात है ना, ये वो यहाँ लिखी है. ये समझना बहुत जरूरी है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना. जस्ट अ मिनट, हाँ
अभी इधर इन लोगों ने क्या लिखा है, द सीएमएल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। यहाँ पे मैंने बोला रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये लाइन याद रख के जाना, एग्जाम में खास खास पढ़ के जाना या कहीं लिख लेना, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बुक में नहीं मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया। समझ में आया क्यों मैंने रॉन्ग बोला? जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है, आज अपन चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अब जो पार्ट है ना, अब इतना टफ नहीं है, कल हो गया जो टफ पार्ट था। अभी सेकंड मॉड्यूल चालू कर रही हूँ मैं, करूँ चालू? कुछ डाउट है पहली मॉड्यूल में कहीं भी तो मुझसे पूछो। ये वाली जो सेकंड मॉड्यूल है ना, इसमें बहुत कैलकुलेशंस है। है डाउट? कुछ है डाउट? नहीं है। तो चलो मॉड्यूल 5.2, पहली में पहला हमने कौन सा, पहला वाला जो मॉडल पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, क्या नाम था? एमटीबी क्या एमटीपी? नहीं, एमपीटी, मार्केट पोर्टफोलियो थियरी। ठीक है, चैप्टर सिर्फ दो ही थियरी पे है, पहला है एमपीटी, दूसरा है अपना कैपेम। तो हमने एमपीटी तो देख लिया, अब अपन करेंगे कैपेम। कैपेम से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, सारे कैपेम से ही आएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि एमपीटी में कुछ थ्योरी नहीं थी, इधर थ्योरी कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। अब कैपेम ना ऑलमोस्ट सिमिलर है एमपीटी से, इसने थोड़े और एक्स्ट्रा अजम्पशन ऐड कर दिए अपने। तो सबसे पहला तो क्या है, कैपेम किसने बनाया था? तो कैपेम वॉज मेड बाय विलियम शार्प एंड जॉन लिंटनर, कुछ समथिंग लाइक दैट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट विलियम विलियम शार्प रख लेना याद, क्योंकि शार्प मेजर इसमें ही आएगा तो समझ में आ जाएगा कि शार्प इतना इम्पोर्टेंट है, और उसका सरनेम वॉज ऑल्सो शार्प। ऐसे मैं सिर्फ लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ, ऐसे तो लर्न नहीं भी करूंगी तो चलेगा। और ये कब बना था, 1960s में बना था। इट बिल्ड ऑन आइडियाज ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी एंड सीएमएल। ठीक है, ये किसके आइडिया पे बना है? इट इज बेस्ड ऑन एमपीटी एंड सीएमएल के आइडियाज, उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, उसको यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है। इन दैट इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू होल्ड सेम कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड एंड मार्केट पोर्टफोलियो। यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, होल्ड सम कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो। हमने यहाँ पे देखा था ना, ऐसा डायग्राम जब था अपना, ये रिस्क फ्री एसेट था, और यहाँ पे ए बी सी जो भी थे, और यहाँ पे एक अपना था एम पोर्टफोलियो, ये बी सी। पता नहीं मैं इतना गंदा डायग्राम क्यों बना रही हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारा रिस्क फ्री एसेट था, यहाँ पे हमारे अलग अलग थे ए बी सी ऐसे, और यहाँ पे हमारा एक था एम। अब ये एम जो था ये सिर्फ रिस्की एसेट का था, तो ए और बी किससे बन रहे थे, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट को मिला के बन रहे थे, और ये वाली साइड थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट साइड, यहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही रिस्क अवर्स लोग थे। अब इसके क्या मेन अजम्पशन है, वो अजम्पशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, दोनों एमपीटी के अजम्पशन और इसके भी अजम्पशन, दोनों के अजम्पशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, ये वाला पॉइंट हमने वहां भी देखा था, सेम था या नहीं था? मेरे को थोड़ा कॉन्वर्सेशन करो मेरे साथ इस लेक्चर में, मैं अकेले नहीं पढ़ा सकती, मुझसे बात करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा, समझ में आ रहा है या नहीं। कल था ये वाला पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल या नहीं थी? नहीं था। इस बार बता क्या इसका मतलब, क्या है बताओ? जो मार्केट का डिस्क्लोजर था वो सब अवेलेबल था पब्लिकली। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फोन। हाँ, क्या मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन था वो पब्लिकली अवेलेबल था? ठीक है, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसके सब इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन ऐसा रियल में होता है? नहीं होता है, बट इट इज जस्ट एन अजम्पशन। फिर सेकेंड पॉइंट क्या था, फ्रिक्शन लेस मार्केट है। फ्रिक्शन
फ्रिक्शनलेस मार्केट है, ये वाला पॉइंट वहां पे भी था कि नो टैक्सेस, नो कमीशंस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा होता है रियल में, हाँ या ना? नो हाँ, फिर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स आर पॉसिबल, ये नया पॉइंट है, ठीक है, ये नया पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो नया होगा ना उसको मैं मार के कोई और कलर से कर देती हूँ, जो उससे अलग है ना पहले वाले से उसको मैं अलग कलर से मार्क कर रही हूँ, जैसे याद रहे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स आर पॉसिबल, इसमें क्या, असेट्स आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, मीनिंग इन्वेस्टर्स कैन टेक लार्ज पोजिशन एज वेल एज वेरी स्मॉल पोजिशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पोजीशन भी ले सकते हैं और बहुत कम पोजीशन भी ले सकते हैं उसमें, मतलब क्या है, या तो मैं इसका रेशियो 30:70 भी रख सकती हूँ कि मैंने लार्ज इतने रखे स्मॉल इतने रखे, या तो मैं 70:30 भी रख सकती हूँ, इट इज ऑन मी कि मुझे वेरी स्मॉल चाहिए वेरी लार्ज चाहिए। फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जैक्टली सेम पॉइंट है वही वाला, कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मार्केट की प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो पूरे मार्केट को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि एक इन्वेस्टर ऑफकोर्स एक प्राइस टेकर हो सकता है, व्यूड एज प्राइस टेकर नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट में सब लोग एक ही चीज के अंदर हो और एक और कोई नया इंसान आए, लाइक मैंने कल टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि सब लोग टूथपेस्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे, अब एक और कोई इन्वेस्टर आया, नया इन्वेस्टर, वो कोई अलग तरह का टूथपेस्ट लेके आया और उसने पूरी की पूरी मार, हाँ ठीक है मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं, बट मैगी, ठीक है चलो मैगी को कोई ओवररूल नहीं कर सकता, मैगी का जो मार्केट है वो मैगी का मार्केट है, ठीक है यू कैन टेक दैट, तो मैगी, तो फिर जो कोई और आता है मैगी में उसको उसको वो मिलता ही नहीं है, कोई भी मार्केट शेयर ले ही नहीं सकता मैगी का, इसलिए मैगी का क्या है, मैगी का पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है मैगी का जो इन्वेस्टर है, तो ये यहाँ पे ये थ्योरी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, बट एनीवेज ये सब अजम्पशन है तो अपने को लर्न तो करने ही पड़ेंगे। फिर इन्वेस्टर्स मेक द डिसीजन सोली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड वेरिएंसेस, ये एक और नया पॉइंट है, इन्वेस्टर्स जो अपने डिसीजन लेते हैं वो सोली एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और वेरिएंसेस के बेस पे लेते हैं, नहीं सेम पॉइंट है एक्चुअली, स्क्यूनेस और कर्टोसिस को कंसिडर नहीं करते। व्हाट इज कर्टोसिस बताना कोई मुझे, कर्टोसिस क्या बताता है, जस्ट एक वर्ड इनफ है, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट हाँ फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट है ये तो मुझे पता है, टेल्डनेस बताता है, टेल्डनेस क्या बताता है, बताता है, हाँ टेल्डनेस बताता है, करेक्ट, कि पीक है क्या है, लेप्टोकार्टिक है, किस तरह की टेल है उसकी, वो बताता है, तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को कंसिडर नहीं करते, बट ये भी एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है वो वाले से। फिर ये वाला क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बोरो एंड लेंड अनलिमिटेड अमाउंट्स एट रिस्क फ्री रेट, देखो यहाँ पे मैं बोल रही थी ना लेंडिंग और बोरोइंग चलती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है लेंडिंग और बोरोइंग की, तो कोई कभी भी लेंड कर सकता है, कभी भी बोरो कर सकता है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बोरो एंड एंड लेंड एट अनलिमिटेड अमाउंट एट रिस्क फ्री रेट, कभी रिस्क फ्री हो सकता है क्या, बोरोइंग एंड लेंडिंग कभी रिस्क फ्री हो सकती है, इज देयर नेवर अ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन इट, बोलो मुझे, रिस्क हाँ तो ये भी हो गया है, क्योंकि कभी भी कोई यस क्यों बोला, रिस्क फ्री रेट में क्रेडिट रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होगी ही ना, ऐसा हो सकता है ना कि बोरोवर वापस से पैसे ना दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है क्या, तो रिस्क फ्री रेट पे होना इम्पॉसिबल है, बट दिस इज जस्ट अ, हाँ ठीक है मैंने मैंने क्या पूछा मैं थोड़ा सा भूल गई थी इसलिए, बट रिस्क फ्री रेट पे इसने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये इनका जस्ट अजम्पशन है, ठीक है। फिर होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं क्या सबके, सब लोगों की एक ही एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो एकदम अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग जो, अब जैसे कोई एनटीपीसी का स्टॉक लेता है, अभी एनटीपीसी बहुत चल रहा है इसलिए मैं वही देती हूँ, ठीक है मैंने एनटीपीसी 400 पे खरीदा, हो सकता है मेरा एनटीपीसी का टारगेट 500 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और इन्वेस्टर है, ये तो मैं हूँ, अब कोई और इन्वेस्टर है समझो ए,
एरे हो सकता है टारगेट रख रखा है, ए का टारगेट हो सकता है 450 है, कोई और इन्वेस्टर है सी, सी का टारगेट हो सकता है उसका टारगेट इसके अंदर सिर्फ 420 है, सबके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हाँ सब 500 ही एक्सपेक्ट करेंगे, सब अपना सेम वेरिएंस कोवेरिएंस सब कुछ सेम रखेंगे, ऐसा होगा ही नहीं, सबके अलग अलग अमाउंट होते हैं। अब कोई चार्ट देखता है, जैसे हम जब स्टॉक लेते हैं तो हर कोई चार्ट देखता है, तो सबके एनालिसिस करने का तरीका इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कोई 1 घंटे का चार्ट देखता है, कोई 5 मिनट का चार्ट देखता है, कोई 1 मिनट का चार्ट देखता है, सबका एनालिसिस करने का तरीका ही अलग है, तो सबके रिटर्न्स वेरियंसेस कोवेरियंसेस जो भी कैलकुलेशन है वो भी कम्प्लीटली अलग होगी। इसलिए यहाँ पे देखो इन लोगों ने साफ साफ अब जाके इन लोगों ने पूरे चैप्टर में ये बात लिखी है, कैपे मेक्स अ नंबर ऑफ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, ये सारे अजम्पशंस जो भी है ऑलमोस्ट सारे अजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक, कोई भी रियल वर्ल्ड में फॉलो नहीं करते, बट ये है तो है, लाइक अब आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे। एज विद एनी अदर मॉडल केयर मस्ट बी टेकन व्हेन रिलाइंग सोलली ऑन रिजल्ट्स फ्रॉम कैपएम, अगर हम सोलली कैपएम के रिजल्ट्स पे रिलाई करेंगे तो हमारा काम चलेगा क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसके जो रिजल्ट इसके जो अजम्पशंस है वो ही कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है, तो हम लोग कम्प्लीटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर बना है ईपीटी, वो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट अभी एक बार 2 मिनट में फटाफट ये सारे एग्जाम सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लो। हाँ मुझे पता है एनटीपीसी, मैंने देख रखा, कोई और है यहाँ पे ट्रेडिंग कौन करता है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन करता है, मैं ट्रेडिंग तो नहीं करता, इन्वेस्ट करता हूँ। शिवम नहीं करता, ठीक है चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ लो एक बार, 7:10 तक टाइम देती हूँ पढ़ लो। हो गया हो गया पढ़ के, हाँ या ना, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अभी इसको अपन यहां से करते हैं, इसमें क्या है ना, हम सिस्टमैटिक रिस्क पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बता दो मुझे, शिवम मीटिंग छोड़ के चले गया, चलो आ जाएगा वापस से, बताओ रोहित बताओ, वही डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट होता है ना सिस्टम, अब हमारा जो बीटा होता है, अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन चालू हो रहा है, ठीक है अच्छे से मेरी बात सुनना, अभी क्लास में समझ लोगे ना तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अपना जो बीटा होता है ना, हर जगह पे बीटा बीटा अपन देखते, तो बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है ना, बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क, ये सिस्टमैटिक रिस्क को हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब पूरे जगह पे कहीं भी आपको बात आएगी ना, व्हाट इज बीटा, बीटा लेवल 1 में सिस्टमैटिक रिस्क ही होता है, ये बात पता थी या नहीं पता थी, इसमें पता थी कि हाँ तो अभी इसमें अभी हम लोग चालू करते हैं, इंटरप्रेट बीटा एंड कैलकुलेट द बीटा ऑफ अ सिंगल एसेट और पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई एक सिंगल एसेट का या पूरे पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ हाउ मच एसेट्स प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव रिलेटिव टू मार्केट चेंजेस, इसका मतलब क्या है कि समझो मार्केट में कुछ
चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आने पे हमारा एसेट कैसे रिएक्ट करता है? ठीक है, अगर कोई चेंजेस आए तो वो चेंजेस आने पे हमारा एसेट कैसे रिएक्ट करेगा, वो ये वाले पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मतलब बट ओनली इन केस कि मार्केट में चेंजेस आए। समझो मार्केट बहुत बहुत बड़ा, तो उसके साथ साथ मेरा एसेट बहुत बड़ा, या मेरा एसेट कुछ भी नहीं हुआ, स्टेबल था तब भी, या कम हुआ तो भी मेरा एसेट स्टेबल था, या मेरा एसेट भी कम हो गया। अब ये सब बीटा के डिस्कशन होते हैं। अब इसमें कैसे, अपन ने जैसे कोरिलेशन पढ़ा था तो अपन ने देखा था ना, कोरिलेशन इक्वल्स टू 1, कोरिलेशन लेस देन 1, देखा था ना, कोरिलेशन लेस देन 1, कोरिलेशन मोर देन 1, या फिर कोरिलेशन इक्वल्स टू नेगेटिव 1। कोरिलेशन इक्वल्स टू नेगेटिव 1 होता है तो व्हाट डू वी कॉल इट, एक बार बताना मुझे रोहित, बताओ इसको क्या टर्म से बोलते हैं व्हेन कोरिलेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1। उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब अनकोरिलेटेड हो जाएगा। अनकोरिलेटेड हो जाएगा, करेक्ट, लेकिन इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे जब हमारे पास पी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली कोरिलेटेड। इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली अनकोरिलेटेड। इसलिए ऐसे 1 और एक जगह पे -1, एक जगह पे 1, समझ में आया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ना चालू करते हैं। वैसे यहाँ पे मैं कोरिलेशन तो बताने लगी, वहां पे यहाँ पे हम ऐसे ही देखेंगे, बीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगी हमारी सिचुएशन, बीटा लेस देन 1 होगा तो क्या सिचुएशन होगी। ये तीन सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे व्हाट आर साइक्लिकल स्टॉक्स, व्हाट आर डिफेंसिव स्टॉक्स। और सब ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात एकदम अच्छे से। आई वॉन्ट की हाँ क्लास में ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर कर लो ना, तो घर जाके टेंशन ही ना रह जाता। द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ रिस्की एसेट इन द मार्केट पोर्टफोलियो आर अज्यूम्ड टू ओनली डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मार्केट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ सबसे पहले कि हमारा जो एसेट है वो एसेट मार्केट चेंजेस के साथ कितना रिलेट, कितना रिएक्ट करेगा, और उसके एसेट के हमारे मार्केट के, उसके एसेट के हमारी मार्केट रिस्क से क्या लेना देना, उसे कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच एसेट रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी ऑफ एसेट, देखो इसको यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न्स टू मार्केट रिटर्न एंड इज रेफर्ड टू एज इट्स एसेट्स बीटा, ठीक है, एसेट का बीटा बोलते हैं। ये जो बीटा है ना, एसेट का बीटा ही है। और बीटा ये अच्छे से लर्न कर लेना, मैं रेड बॉक्स ही बना रही हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकती इसको कैसे लर्न करना है, क्या है, इसको लर्न करना पड़ेगा। बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, कोवेरियंस ऑफ एसेट आइज रिटर्न विथ मार्केट रिटर्न, की कोवे एसेट का रिटर्न मार्केट के रिटर्न के साथ उसका क्या कोवेरियंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ये याद रखना। और ये जो कोवेरियंस है ना, ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि कोवेरियंस को हमने ऐसे क्यों किया है, कोरिलेशन इनटू ये वेरियंस ऑफ एसेट, यार ये क्या हो रहा है, कोरिलेशन ऑफ एसेट एंड मार्केट रिटर्न इनटू ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न। समझ में आई मेरी बात, ये वेरिएंस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये जब वहां पे किया होगा ना, आई थिंक सैंपल मोमेंट्स के चैप्टर में इसका बताया होगा कि इसका इसका कन्वर्सेशन कैसे हुआ है, पता है, कन्वर्जन कैसे हुआ है, सॉरी। ये समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, ठीक है, मैं समझा दूंगी। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा खुद को भी, कॉन्स की बुक पर मैं बता दूंगी कि समझ में आया तो बोलो, और ये अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा तो ठीक मुझे है, क्या, इसमें पता है ना कुछ। मैं कल एक बार बता दूंगी।
अब अपन एक बार बीटा पूरा अच्छे से समझते हैं, या ये इतना समझ लेंगे ना तो ऑलमोस्ट सब काम खत्म है। बीटा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न्स टू ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स। ठीक है, मार्केट के रिटर्न्स चेंज होंगे तो हमारे एसेट के रिटर्न्स कैसे उसके साथ साथ रिलेट करेंगे, उसको रिलेटिवली कैसे चलेंगे उसके साथ। ठीक है, व्हाट बीटा ये होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच एसेट्स प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव रिलेटेड इन द मार्केट। अब समझो हमारा मार्केट में कोई बैड इवेंट हुआ, ठीक है, बैड न्यूज चल रही है कोई हमारे इसमें, तो इसमें सब सब स्टॉक अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कोई स्टॉक हो सकता है, समझो मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लूंगी, एबीसी हो सकता है, ये स्टॉक है डिफेंसिव। अगर कोई डिफेंसिव स्टॉक हुआ ना तो मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक अपना साइक्लिकल हुआ तो ये मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा अपना स्टॉक भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा अपना स्टॉक भी नीचे आएगा। समझ में आया डिफेंसिव स्टॉक और साइक्लिकल स्टॉक क्या होता है? आगे मैं और बताऊंगी बट एक बेसिक मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट के चेंजेस के साथ। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन इन लोगों ने दे रखा है, ये एक बार सुन लेना बस। बीटा इज कंप्यूटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा। ठीक है, बीटा हमेशा हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कैलकुलेशन से बेस्ड होता है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट लिखा है मैं बता रही हूँ। फिर द फॉर्मूला टिपिकली इन्वॉल्व रिग्रेसिंग द एसेट रिटर्न्स अगेंस्ट मार्केट रिटर्न्स। यहाँ पे देखो ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये क्या है मार्केट के रिटर्न्स है और ये अपना एसेट के रिटर्न्स है, तो अपन इसको एक साथ रिग्रेस करेंगे। अब ये रिग्रेशन पता है क्या होता है, रिग्रेशन का चैप्टर हो गया है, स्लोप ये इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन नहीं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। ये जो लाइन है ना अपनी, इसको अपन लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे एसेट्स विल गो हैंड इन हैंड विथ मार्केट। ये अच्छे से समझना, ठीक है, अभी अच्छे से समझना, मैं पहले बता रही हूँ ये रिग्रेशन वगैरह इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पे नहीं रिलेट करोगे तो बुक वन से कैसे रिलेट कर पाओगे? या अगर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे चल रहे हैं ना, मतलब हमारा जैसा एसेट चल मार्केट में चेंजेस चल रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम हमारा एसेट चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बीटा इक्वल टू वन है, मतलब वो ये एकदम हमारे मार्केट के जैसे चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कोई कोई डॉट ऊपर है, कोई कोई डॉट नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में थोड़ी बहुत या तो ऊपर है बीटा, या तो बीटा ग्रेटर देन वन है या तो बीटा लेस देन वन है। अब वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगी पूरा। और ये जो है ना, ये जो हमारा स्लोप है, ये स्लोप को हम बोलते हैं बीटा, और ये स्लोप, ये जो पूरा स्लोप है इसको हम बीटा बोलते हैं। और बीटा की कैलकुलेशन ये है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, ये सेम फॉर्मूला है ना ऊपर जो देखा था वही। तो सॉरी समझ में आया कैसे रिग्रेशन होता है? और सुनो, यहाँ पे ना एसेट के रिटर्न्स जो है ये डिपेंडेंट रिटर्न्स है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, और मार्केट के रिटर्न्स जो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एसेट के रिटर्न्स आर डिपेंडेंट कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है उस बेसिस पे, इसलिए मार्केट तो एसेट पे डिपेंड कभी नहीं करेगा, एसेट ही हमेशा मार्केट के रिटर्न्स पे, मार्केट के चेंजेस पे डिपेंड करेगा। इसलिए एसेट हमारा जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये याद रखना, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, ये सब याद रखना, ठीक है,
समझ में आ रहा है ना पूरा डायग्राम में जो समझाना चाह रही हूँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझे बोलना, मैं रुकूंगी बीच में। अच्छा आ रहा है। और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये रिग्रेस करने के, ये रिग्रेस कर क्यों रहे हम रिग्रेशन इसीलिए करते हैं कि हमें पता चले कि हमारी एसेट के रिटर्न्स में। और हाँ, मैं शिवम रिवाइज करवाऊंगी एक बार पूरा, गुड बोलो मुझे एक बार तो मुझे क्या पता चलेगा। रिग्रेशन है हमारा, रिग्रेशन हम क्यों करते हैं कि हमारे एसेट के रिटर्न्स मार्केट के रिटर्न्स के साथ साथ चले। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि मार्केट के चेंजेस और एसेट के रिटर्न्स एग्जैक्टली साथ साथ चले, इसलिए हम रिग्रेशन करते हैं कि जब हम जैसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आए तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे, देखो अब कोई कोई डॉट हो सकता है ऐसे बहुत दूर है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा एसेट मार्केट से अलग चल रहा है। तो ये अगर ये सिचुएशन होगी ना तो अच्छी नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो हम क्या चाहेंगे कि एटलीस्ट बहुत दूर तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पास आ जाए। तो अगर लाइन के कोई इतने पास होंगे ना डॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ, एसेट और मार्केट में ज्यादा चेंज नहीं है। ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन मार्केट में होगी नहीं, बट हम क्या ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट ये रेंज में आ जाए। मैं ब्लैक से डॉट करती हूँ कि हम ये रेंज में आ जाए कि हम इस लाइन के एकदम आसपास आ जाए, मतलब हमारे एसेट्स ऑलमोस्ट हमारे मार्केट रिटर्न के साथ चले। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द एम इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर डिफरेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। समझ में आया, ये जो डिफरेंस है इसको मिनिमाइज करना हमारा एम है। समझ में आई मेरी बात शिवम? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। देखो ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस पे आते हैं अपने मार्केट रिटर्न्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अपने आते हैं एसेट के एक्सिस रिटर्न्स। एसेट के रिटर्न्स होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मार्केट के जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मार्केट के चेंजेस पे हमारा एसेट एसेट डिपेंड करता है। एसेट चेंजेस पे हमारा मार्केट डिपेंड नहीं करेगा। सिस्टमैटिक बीटा की, सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं अपन, इसलिए मार्केट के ऊपर एसेट डिपेंड करेगा। अब ये जो हमारी लाइन है ये वाली, इसको देखो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी अल्फा, आगे अपन जेनसन अल्फा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ना, तो ये लाइन के ऊपर, मतलब ये जो डायग्राम है अपना, ये समझो ये अपना डायग्राम है, इस पे ये जो लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पे जो भी डॉट्स है समझो, ठीक है, ये सब डॉट का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एसेट है, हमारा एसेट का रिटर्न मार्केट के चेंजेस के साथ साथ चल रहा है, मतलब मार्केट में जितना चेंज आ रहा है हमारा रिटर्न भी उसके प्रपोर्शन पे एग्जैक्टली इक्वल है। लेकिन ये सिचुएशन मार्केट में कभी भी हो ही नहीं सकती। मार्केट में क्या होगा, या तो मोस्टली, या तो फिर ना हमारे एकदम दूर दूर होगा, ठीक है, हम लाइन से एकदम दूर दूर होंगे। ये सिचुएशन अच्छी है क्या? अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ समझो, ये सिचुएशन अच्छी है क्या? अच्छी है या नहीं है शिवम, बताओ अच्छी है या नहीं है? क्यों अच्छी नहीं है? बीटा ज्यादा हाँ बीटा ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। बीटा 1 से ज्यादा कब होगा, 1 से कब कम होगा, वो तो मैं पूरा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और हमें उस डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, ये हमारा एम है। दैट इज वाई वी आर डूइंग रिग्रेशन। रिग्रेशन करने का मेन एम ही यही होता है कि जो हमारे, जो भी हम एक्स और वाई रिग्रेस कर रहे थे, हमारे दो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई पे, उनका जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस एकदम मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि वो डिफरेंस अगर बहुत लार्ज होगा ना तो इट विल अफेक्ट आर इकोनॉमी। समझ में आई मेरी बात? इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे मैंने अभी बताया भी, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वेयर डिफरेंसेस ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन फ्रॉम द लाइन। समझ में आई मेरी बात? और इस लाइन को लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बुक 2 में आप लोग देख लेना। अभी अपन चलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा करते हैं। बीटा कब 1 के इक्वल है? बीटा 1 के इक्वल कब होता है, ये तो मैंने बता दिया है, कब होता है इक्वल रोहित, टेल मी व्हेन इज बीटा इक्वल टू 1? मतलब एसेट और मार्केट दोनों साथ में चलेगा तो हाँ, अब व्हेन इज बीटा ग्रेटर देन 1, ये पढ़ते हैं, ठीक है, व्हेन एसेट्स आर मोर वोलेटाइल देन मार्केट, ठीक है, जब मार्केट में जितना चेंज हो एसेट में उससे भी ज्यादा चेंज हो रहा है।
फॉर इंस्टेंस अ स्टॉक विथ बीटा ऑफ 1.5 वुड बी एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 15% व्हेन मार्केट राइजेस बाय 10%. मार्केट सिर्फ 10% चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन एसेट में कितना चेंज आ गया, 15% से बढ़ गया. मार्केट जस्ट 10% से बढ़ा, एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, 5% एक्स्ट्रा बढ़ा. 5% ज्यादा वैल्यू रखता है अगर मार्केट अपने इंडियन मार्केट जैसे है तो. कुछ छोटा मोटा मार्केट हुआ तो इट्स ओके, लेकिन अगर इंडियन मार्केट जैसे है तो 5% बड़ी अमाउंट हो जाती है. सच एसेट्स आर टर्म्ड एज साइक्लिकल बिकॉज दे टेंड टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन व्हेन कंज्यूमर स्पेंडिंग हाई. अब अगर ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे एक सिचुएशन बताओ, अगर मार्केट समझो 10% नीचे गिरता तो एसेट भी 15% नीचे नहीं गिरता क्या? गिरता ना, हाँ गिर सकता है, गिर सकता है, नहीं गिरता ही. इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि वो वोलेटाइल ज्यादा है, तो अगर मार्केट बढ़ रहा है ना तो वो मार्केट से भी ज्यादा बढ़ रहा है. लेकिन अगर मार्केट कम हो रहा है, समझो मार्केट मेरा सिर्फ 2% से गिरा, दो तो नहीं, चलो मार्केट मेरा 3% से गिरा, तो मेरा एसेट 7-8% से गिरेगा. ठीक है, ये मैं कोई भी नंबर जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, मेरा एसेट उससे भी ज्यादा वोलेटाइल होगा, मार्केट से भी ज्यादा. इसलिए जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक, और साइक्लिकल स्टॉक का हमेशा बीटा इज ग्रेटर देन 1. ये अपना साइक्लिकल है. अब डिफेंसिव, व्हेन बीटा इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, 1 ग्रेटर हो जाता है और बीटा स्मॉलर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, असेट इज लेस वॉलेटाइल इन मार्केट. मतलब मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बहुत कम हो रहा है, मेरा एसेट स्टेबल रहेगा. समझ में आई? देखो, अ स्टॉक विद बीटा ऑफ 0.5 वुड ओनली राइज बाय 5% अंडर द सेम मार्केट कंडीशंस. थोड़ा तो अफेक्ट होगा, देखो हल्का फुल्का अफेक्ट तो हर कुछ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट अगर 10% बढ़ा तो मेरा स्टॉक स्टेबल रहेगा, मतलब नॉर्मल, सिर्फ 5% बढ़ेगा. ऐसा नहीं कि एकदम से धड़ाम से बहुत बढ़ गया, एकदम से बहुत गिर गया, ऐसे इट विल नॉट बी वेरी वोलेटाइल, एकदम नॉर्मल नॉर्मल रिएक्ट करेगा. मार्केट से थोड़ा सा उसको इफेक्ट इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा इट विल नॉट बी इम्पेक्टेड. समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना इनको अपन डिफेंसिव बोलते हैं. अब मुझे बताओ, बीटा जब ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा स्टॉक है अपना? हाँ, बीटा ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा स्टॉक है? रिस्की नहीं था, उसका टर्म है साइक्लिकल है. बीटा अगर लेस देन 1 है तो वो डिफेंसिव स्टॉक है. अब यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं. साइक्लिकल स्टॉक क्या है, ये एकदम इकोनॉमिक साइकिल से एकदम क्लोजली टाइड होते हैं, ठीक है. इकोनॉमी जैसे बिहेव करिए ना, ये भी वैसे ही बिहेव करेंगे, उससे थोड़ा और ज्यादा ही बिहेव करेंगे. तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ दे ऑफन सी ग्रेटर डिमांड लीडिंग टू हायर रेवेन्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस. लेकिन अगर नीचे आएगा ना मार्केट, रिसेशन आएगा, तो फिर स्टॉक नीचे ही बहुत जाएंगे. यहाँ पे इन लोगों ने जस्ट एक्सपेंशन के बारे में बताया, नीचे आएगा तो नीचे भी जाएगा. एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार अपने हिसाब से, जैसे लग्जरी गुड्स, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी पढ़ लेना एक बार. और जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, दे विल ऑलवेज हैव हाई बीटा स्टॉक्स, इनको अपन हाई बीटा स्टॉक भी बोलते हैं. अभी क्या है, इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, जनरली द आउट परफॉर्म द मार्केट ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन बट कैन सफर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यूरिंग रिसेशन. अगर मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो इनका मार्केट परफॉर्मेंस एकदम अच्छा होगा दूसरे स्टॉक से, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तब भी इनका परफॉर्मेंस दूसरे स्टॉक्स के कंपेरिजन में बहुत गंदा होगा. इसलिए जब गिरता है ना तो इनका इफेक्ट पता चलता है, बढ़ता है तब तक तो इट्स गुड, तब तक तो किसी को कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन गिरता है ना उस दिन पता चलता है. क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है? हाँ, अभी डिफेंसिव स्टॉक. डिफेंसिव स्टॉक क्या है, स्टॉक्स प्रोवाइड स्टेबल अर्निंग. अरे क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो इधर से कर लेते.
स्टॉक प्रोवाइड स्टेबल अर्निंग्स एंड डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस. ये क्या अपने स्टेबल जो थोड़ा बहुत डिविडेंड देते रहते, लाइक कोल इंडिया. कोल इंडिया एक ऐसा शेयर है जो हमेशा अच्छा डिविडेंड देता है, ठीक है, उसको मार्केट कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मार्केट कंडीशन से इसको इतना फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट का है अपना. अब हर गवर्नमेंट का ऐसे ही चलेगा ऐसे जरूरी नहीं है. ये तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे दू, ठीक है, ये अपना प्रॉपर नॉर्मल डिविडेंड देता रहता है अच्छा खासा, इसको मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. तो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जो मार्केट से ज्यादा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा चेंज हर स्टॉक में आएगा बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. तो वो वाले स्टॉक्स अपने डिफेंसिव हुए हैं. एग्जाम्पल पढ़ लेना और इसका परफॉर्मेंस अब एक बार देख लेते हैं. डिफेंसिव स्टॉक्स टेंड टू आउट परफॉर्म ड्यूरिंग रिसेशन. रिसेशन में क्यों आउट परफॉर्म करेंगे बताना मुझे जरा, शिवम बताओ. हाँ शिवम बोलो, गायब हो गए क्या? आंसर ही नहीं करोगे ना क्लास में, मैं बंद कर दूंगी क्लास. भाई भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क क्या नहीं चल रहा ढंग से। अच्छा सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, मैसेज पे लिखो. रोहित मुझे बताओ डिफेंसिव स्टॉक रिसेशन में क्यों आउट परफॉर्म करेंगे? हाँ स्टेबल हो गए मतलब स्टेबल होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे. मतलब अगर मार्केट नीचे गया तो अपना स्टॉक समझो 800 रुपीज का है, तो मैक्स टू मैक्स 750 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, बहुत नहीं गिरेगा एकदम से. इट विल नॉट गो टू 600 या फिर एकदम से बहुत नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसलिए वो जब रिसेशन में होंगे ना तब ये वाला मार्केट, तब ये वाले स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे. HDFC भी एक डिफेंसिव स्टॉक ही बोलेगा ना। ओके, इसको नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? क्या है प्रोहित? HDFC भी डिफेंसिव स्टॉक में आएगा ना। हाँ डिफेंसिव में आएगा बट नहीं, देखो कभी कभी तो इफेक्ट करता है, ऐसे अपन बोल नहीं सकते, कभी कभी इफेक्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है. मैंने जो एक एग्जांपल दिया है ना कोल इंडिया, क्योंकि अब देखो कुछ चीज ऐसी होती है कि HDFC भी गिरता है मार्केट, जब मार्केट गिरता है तो HDFC गिरता है कभी कभी बहुत. समझ में आई मेरी यस बात? मैम, अभी अभी मैम मतलब गिरा था ना, मतलब हांगकांग का भी गिरा था हाँ रिसेंटली, तो HDFC उतना मतलब गिरा नहीं, तो हाँ सही डिफेंसिव बात में है, बट आएगा जैसे ना। अब जब कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक वॉर्स होते हैं ना तो तब सब गिरते हैं, तब जो स्टेबल रहता है ना तब कोल इंडिया भी गिरता है. ऐसे बहुत कम ही स्टॉक्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो अब क्या है उनका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टफ है. मैं उसमें हूँ भी नहीं तो मुझे क्या इतना पता भी नहीं है इसके बारे में, जस्ट मैं थियोरेटिकली बता सकती हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग वगैरह में हूँ बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है प्रॉपर अंदर जाके एकदम डिटेल. बट अभी मैं खुद अच्छा भी चार्ट्स पढ़ना सीख रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि अब मैं बस टाइम है तो मैं सीख रही हूँ अभी. इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस ये सब ना इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने जो था वो मैंने पढ़ा दिया है, तो ये वाला पोर्शन है ना ये सब स्किप कर देना, ये मैंने लिख रखा है बट ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. ये वाला एक बार इसीलिए ऐसा हो रहा है, कब से मैं कब से सोच रही हूँ क्यों हो रहा है ऐसा. ये वाला एक बार आप पढ़ लो, एक बार बुक से पढ़ो, ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन एक बार वहां से लेके यहाँ तक पढ़ो, ऊपर से लेके ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन यहाँ से लेके एक बार वो डायग्राम तक पढ़ो, और कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो. मैंने उसे ज्यादा ही समझाया, जो यहाँ पे लिखा है इसे ज्यादा ही समझा दिया, बट स्टिल कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे. फिर उसके बाद अपन ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ये एक बात याद रखना, ठीक है, साइक्लिकल स्टॉक्स हमेशा जब मार्केट एक्सपेंड करेगा तब वो एकदम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब रिसेशन होगा तो डिफेंसिव स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो दोनों सिचुएशन में, एक है अपने एक्सपेंशन में और एक है अपने रिसेशन में, दोनों में सिचुएशन डिफरेंट है. एक्सपेंशन होगा तो साइक्लिकल चलेगा, रिसेशन होगा तो
रिसेशन होगा तो ये डिफेंसिव चलेगा. साइक्लिकल और डिफेंसिव है ना, इसके टर्म अलग अलग होते हैं. वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स. ये जो वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स है ना, ये अभी थोड़ा सा पढ़ोगे आप, अभी थोड़ा टाइम है उसको, लेवल 2 में आएगा. ठीक है. हाँ, ग्रोथ वाले तो पता है, वैल्यू नहीं पता। वो ये अभी आएंगे, अभी आएंगे मार्केट, मतलब अभी आई थिंक लेवल 2 में इसका डिस्कशन है इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर. अभी एक बार ये पढ़ लो, टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन. ग्रोथ तो वो भी होता है ना, मतलब फंड्स भी होते हैं ग्रोथ वाले, ग्रोथ और ग्रोथ वाले फंड्स भी होते हैं ना, तो हाँ, लाइक ये तो म्यूचुअल फंड्स। फ्लेक्सी कैप ग्रोथ और पता नहीं अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन यस यहाँ मैम, पे इसका सिचुएशन अलग है. ठीक है, ये जो है ना, ये अपने टर्म्स पूरे अलग है, उनके मतलब बहुत ज्यादा अलग है. तो वो अभी अपन जब लेवल 2 में आएंगे ना, तो तब समझ में आएगा. लेवल 2 में तो आई थिंक मैं तो ऑपरेशनल कराऊंगी, और पता नहीं और कुछ कराऊंगी, तो पता नहीं, ऑपरेशनल फिक्स है. ऑपरेशनल इंटरेस्टिंग है मैम। ऑपरेशनल इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑपरेशनली लेवल 2 का सबसे मेजर चंक है. लाइक सबसे जो थियोरेटिकल है ना, पूरी ऑपरेशनल की बुक है उसमें आई थिंक 24-25 चैप्टर्स है सबसे ज्यादा, मतलब 5-6 बुक्स है टोटल. लेकिन ये वाला जो ऑपरेशनल रिस्क है ना, ये सबसे मेजर पोर्शन कवर करता है. मैम इन प्रैक्टिस से वापस बता दो ना, ये थोड़ा से मतलब थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया। मैम कहाँ पे कहाँ से शिवम? ये देखो, ये ब्लू वाले के नीचे ऊपर ऊपर ही ऊपर, ये वाला, हाँ ये ब्लू वाला, वाले के नीचे इन प्रैक्टिस, ये वाला कि ये देख ये इसके रहे नीचे वाला, हाँ ये ये. हाँ, वाला, हाँ ये तो हाँ इम्पोर्टेंट है, मैं समझा देती हूँ. ठीक है, मुझे 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, मैं समझा दूंगी, लेकिन अच्छे से समझना ये वाला पॉइंट. देखो इसमें क्या है ना, मैं वापस से डायग्राम बना के समझाती हूँ, क्योंकि तो मेरा डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बनाई हुआ है. चलो अपने पास है, कलर चेंज कर लेती हूँ. अब यहाँ पे क्या है, ये अपना डायग्राम है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है. ठीक है, यहाँ पे अपने एसेट्स के एक्सेस रिटर्न्स है, यहाँ पे अपने एसेट के एक्सेस रिटर्न है, और यहाँ पे अपने मार्केट के एक्सेस रिटर्न है. ठीक है, अब क्या है? ये अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इस पे जो भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, समझो जितने भी है. ठीक है, ये अल्फा होता है, ये अल्फा क्या है, क्यों है, ये तो मैं अभी बताऊंगी पूरा. अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आते हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन सब पॉइंट्स का मतलब एक ही है. उसका इंटरसेप्ट है क्या? हाँ, इंटरसेप्ट है, अभी आगे जाके अपने को समझ में आएगा पूरा. ये जो है ना, ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एसेट का रिटर्न, एसेट्स आर मूविंग विथ मार्केट. ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन होती है शिवम, शिवम ये आइडियल सिचुएशन होती है अपनी, एसेट हमारे मार्केट के साथ साथ चल रहा है. अब मैं एक बार गेट कलर, हाँ अब क्या है, अब कोई एसेट यहाँ है, कोई एसेट यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कोई कोई रिटर्न्स ऐसे भी है. ठीक है, अपने तो ये वाले रिटर्न्स, अब ये जो रिटर्न है, ये अच्छा रिटर्न नहीं माना जाएगा मेरा, ये क्यों अच्छा नहीं है, बैड रिटर्न है. एवरेज। हाँ, पूरा खराब कर देगा. ठीक है, या ये अपने आउटलायर्स में जाएगा. ठीक है, ये वैसा हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन, सही टर्म तो ये है. इतना वेरिएशन अच्छा नहीं है अपने लिए. तो अब अपन क्या चाहते हैं, अपन रिग्रेशन क्यों करते हैं, जैसे जो इस तरह के पॉइंट्स है ना, जो यहाँ यहाँ एकदम दूर दूर लाई कर रहे हैं, इसको अपन पता करें, इसके लिए अपन कुछ मेजर्स ले. क्या मेजर्स लेते हैं, वो तो रिग्रेशन वाले चैप्टर में देखना. अब अपन जब मेजर्स लेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये एकदम ऐसे पास पास आ जाएंगे.
अब ये पास पास आ जाएंगे तो ये क्या है, ये एक अच्छी सिचुएशन होगी, क्योंकि ये जो अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाली है ना, ये तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी हो नहीं सकती, ठीक है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हमारा हो, तो ये वाले, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना कि ऐसे पास पास हो, ये पॉसिबल है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम एकदम क्लोज आ जाए लाइन ऑफ बेस्ट फिट के, जो 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 डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे ना वो कम हो जाए, समझ में आई मेरी बात अभी, आई शिवम समझ में, क्लियर हो गया पॉइंट, 100% क्लियर। यस ये जो मार्केट रिटर्न है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अपना एसेट रिटर्न, एसेट का एक्सेस रिटर्न था वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एक बार पढ़ लो, पढ़ के हो गया था या फिर नहीं हुआ है, तो फिर एक बार पढ़ लो, मुझे बताओ कैसा है, हो गया था। वो क्या ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अब अपन एसेट का बीटा कैलकुलेशन करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट दे रखा है 20%, फिर एसेट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 30%, ये क्या है, स्टैंडर्ड ए का डिविएशन 30%, और कोरिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में, मार्केट और एसेट के बीच में 0.8, ये फॉर्मूला कौन सा वाला हुआ अपना, ये अपना है, ये वाला फॉर्मूला हुआ बीटा का, यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू कोरिलेशन ऑफ इनटू, ये कौन सा था, ये अपना एसेट का डिवाइडेड बाय मार्केट, अपना ये वाला हुआ, ये वाला लगाएंगे तो अपने को बीटा मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास कोरिलेशन है, अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन है दोनों मार्केट और एसेट के, हो गया समझ में आई, कोवेरियंस नहीं दिया होगा तो, इन केस कोवेरियंस नहीं दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ इन लोगों ने यही लगाया और इनका बीटा आ गया 1.2। अब अगर समझो हमारे पास कोवेरियंस दिया होता, ठीक है, हमें कोरिलेशन नहीं दिया होता, कोवेरियंस दिया होता, इफ कोवेरियंस ऑफ एसेट ए इज रिटर्न विथ रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स इज 0.48, तो कोवेरियंस दिया होता तो हम क्या करते, कोवेरियंस दोनों के बीच का डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, वेरियंस ऑफ मार्केट क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, अपने मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था 20%। अब ये सब टर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये सब अपने टर्म्स याद रखने जरूरी है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न, फिर एसेट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर उल्टा पढ़ लिया एग्जाम में तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये सब पढ़ने की आदत अभी घर से ही रख के जाना कि मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, एसेट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन को हम बोलते हैं ये, और फिर ये ऐसे ऐसी साइन से करते हैं, एसेट के स्टैंडर्ड डिविएशन को ये वाली साइन से कन्वे करते हैं, ये सब साइंस और सब कुछ चीजें पता होनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो अभी अपने को क्या है, यहाँ पे कोवेरियंस दिया है, और अपने को क्या करेंगे, अगर अपने पास कोवेरियंस है तो अपन मार्केट के वेरियंस को कर देंगे, अपने मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 20% का स्क्वायर करो, और ऊपर ये कोवेरियंस है, और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, समझ में आई मेरी बात, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पेपर में अपने खुद के बने हुए होने चाहिए, वैसे तो मैंने आई थिंक ये चैप्टर के तो दिए थे, बट एक बार देख लेना। अभी क्या है, डिराइविंग द कैपेम, कैपेम का डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कैपेम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 मार्क का ही समझो, ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ये फॉर्मूला लर्न होना इम्पोर्टेंट है, पहला फॉर्मूला ये है अपना और दूसरा फॉर्मूला अपना ये है, उसमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ है वो फॉर्मूला, ये वाला,
ये फॉर्मूला लर्न होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? ये दोनों लिख लेना, ठीक है? पहले पहला कौन सा फॉर्मूला लर्न करोगे? बीटा का। फिर बीटा के बाद अब कैपम के रिटर्न्स का फॉर्मूला आता है। तो ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तो ठीक है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक है, ये अगर कर लिया तो ठीक है। अब कैपम का जो डेरिवेशन होता है, ये कैपम का डेरिवेशन करना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला लर्न करना इम्पोर्टेंट है। रिकॉग्नाइजेस दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड्स ऑन बीटा एंड लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा। मतलब कैपम कंप्लीटली बीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है? समझ में आ रही है ना मेरी बात? कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो रहा ना किसी को भी? हाँ, ये पूरा का पूरा बीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एक्सप्लेन्ड एज अ फंक्शन ऑफ बीटा विद एन इंटरसेप्ट। वहां पे हमने देखा था, ठीक है, रोहित ने बोला भी था कि ये जो ए है ये वो है क्या, ये जो अल्फा था ना वहां पे, दैट वाज इंटरसेप्ट, ठीक है? और स्लोप है अपना एम, तो ये ए है अपना, ए जो है अपना इंटरसेप्ट है और एम है अपना स्लोप, ठीक है? यहाँ पे देखो ये मार्केट लाइन। अब अपन ना इसकी जो ग्राफिकल डिपिक्शन है ना, इस फॉर्मूला की जो ग्राफिकल डिपिक्शन है उसको अपन बोलते हैं एसएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसके पहले अपन ने कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ी थी, अभी अपन सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है? बोथ आर डिफरेंट, याद रखना, वो अलग था ये अलग है, बट सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा भी कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी रिस्क फ्री एसेट है, यहाँ पे भी मार्केट पोर्ट, यहाँ पे भी अपना मार्केट पोर्टफोलियो है। अब ये नीचे के जो डेरिवेशन है ना, ये कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पैराग्राफ पढ़ लेना, ये सब टाइम वेस्ट है, कंप्लीट टाइम वेस्ट। लेवल में अपने एग्जाम में कुछ ऐसा आने वाला है नहीं। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, द इंटरसेप्ट अकर्स व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0। जब अपना बीटा 0 होगा ना, तब अपने पास इंटरसेप्ट होगा ए का। व्हेन देयर इज नो सिस्टमिक रिस्क, बीटा 0 होगा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, मतलब मार्केट रिस्क नहीं है। अगर मार्केट रिस्क नहीं है तो कौन सी रिस्क बची फिर? हमारा पोर्टफोलियो में कौन सी रिस्क हमें एक्सपोज रहेगी, बताना? अगर मार्केट डिफॉल्ट कौन सी, कौन सी रिस्क होगी? सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है तो दूसरी कौन सी रिस्क होती है जो एक्सपोज होती है? समझो मार्केट रिस्क नहीं है तो मुझे कौन सी रिस्क होगी? यार ऐसे मत करो, मैंने इतना इतना समझाया, आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं पता है। कोई मुझे बताओ, नाम बताओ मुझे। बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क कहाँ से आएगा? ये कब नहीं होती सिस्टमैटिक रिस्क, एक अपनी होती है आइडियोसिनक्रेटिक रिस्क, पता है? आइडियोसिनक्रेटिक रिस्क कौन सी होती है अपनी? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर मार्केट रिस्क नहीं है तो हम लोग कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को एक्सपोज्ड है। तो ओनली एसेट विद जीरो मार्केट रिस्क इज द रिस्क फ्री एसेट, ठीक है? जो रिस्क फ्री एसेट है, समझो अपना टी बिल हुआ, ये टी बिल है ना, इसको कोई मार्केट रिस्क नहीं होती। कंप्लीटली अनकोरिलेटेड विद मार्केट मूवमेंट्स एंड ऑफर्स अ गारंटीड रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कुछ भी मूव करेगा, इट इज लाइक अ डिफेंसिव स्टॉक। मार्केट कुछ भी मूव करे, ये अपना रिटर्न देता रहेगा। एसएमएल जस्ट इतना ही बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एग्जाम में कुछ पूछेंगे नहीं, बट स्टिल मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों की, अगर मार्केट रिस्क नहीं है तो अपने पास ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट कंपनी स्पेसिफिक रिस्क तो होगी ही ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि कोई भी रिस्क नहीं होगी, दोनों में से कोई एक तो होती ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, ठीक है? ईआरपी मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट भी देखेंगे, तो ये सब जो टर्म्स है ना, ये याद रहने इम्पोर्टेंट है।
अभी चलो एक बार यहाँ पे आके कैपम की क्या इक्वेशन है। कैपम अपन ने पढ़ा, पहले अपन ने एमपीटी पढ़ा, ठीक है। एमपीटी की कोई इक्वेशन थी क्या? एमपीटी की कोई इक्वेशन थी? नहीं थी, ठीक है, नो इक्वेशन। ये सब चीजें पता होनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर अपनी अपन ने पढ़ा सीएमएल, सीएमएल की कोई इक्वेशन थी? दैट वाज इक्वल टू शार्प, जो भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन थी खुद की। फिर उसके बाद बीटा पढ़ा, तो बीटा का अपना एक अलग फॉर्मूला है, फिर बीटा के बाद अभी अपन ने ईआरपी देखा है, ठीक है। अब अपन कैपेम देख रहे हैं। कैपेम में अपन ने क्या देखा है? एक अपने एसेट के रिटर्न थे जो हम आई बोलते थे, और एक हमारे मार्केट के थे जिसको हम एम बोलते थे। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री एसेट प्लस एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा। समझ में आया? मेरी टर्म्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? वैल्यू ऊपर जो दो फॉर्मूले ये काम के नहीं है यार, कौन सा फॉर्मूला काम का नहीं है? ये वाले, ये दो दो। ये दो हाँ फॉर्मूला ना, ये वाले ना, हाँ ये वाला काम का नहीं है, ये वाला काम का है, लेकिन मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी उसे, इसलिए इसको भी याद मत रखना। ये सब मत जाने, ये सब जाने दो, ठीक है। यहाँ से करेंगे, मैं बताऊंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ बीटा, ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ? अपने एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये मेरे साथ अपने बुक में लिखते चलना, ठीक है। ये जो है ना ईआरआई, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट, फिर अपने पास आता है आर एफ, ये क्या है अपना रिस्क फ्री रेट। ये सब लिखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। फिर अपन ने पास आता है ई आर एम, ये क्या होता है रोहित? ई आर एम क्या होता है? एंटरप्राइज वाइज प्राइस। अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। ईआरएम, ओके। मुझे लगा मैम वो एंटरप्राइज रिस्क अरे मैं मैनेजमेंट। यहाँ पे लिख तो रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये तो देखो कैसे कौन से वाले टर्म लिख रही हूँ। एक अपना ये वाला ई एन एम होता है, वो रिस्क मैनेजमेंट का होता है। एक अपना ऐसा होता है एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क का रिटर्न। यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं, ये मार्केट रिस्क का होता है, और ये जो अपन ऐसे करते ना आ रही है, एसेट दिखाता है, ठीक है। छोटा आई छोटा एम ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। और फिर अपने पास आता है बी, बी इज बीटा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करती हूँ। एक बार मेरे पास पेज में कहीं जगह हो तो एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड ही कर लेती हूँ। अब समझाती हूँ, देखो कैपम की क्या इक्वेशन है बताओ। एक्सपेक्टेड मुझे बताते जाना, ठीक है, देख देख के बताओ, बट बताते जाना। क्या है कैपम की इक्वेशन? एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, ठीक है। हाँ, फिर क्या आता है? क्या होता हाँ, माइनस माइनस वापस से रिस्क फ्री रेट। ये सब देखो, आरएफ ऐसे मत लर्न करना, इसको इसके टर्म्स के साथ ही लर्न करना। तो क्या ना, आप लोगों को हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। मेरे को लेवल वन के बाद अभी तक याद है, क्योंकि मैंने वैसे लर्न किया था। इनटू बीटा, ये जो आंसर आएगा ना पूरा, ये इनटू बीटा और फिर उसको प्लस आरएफ करेंगे, ठीक है। अब ये जो अपनी इक्वेशन है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम।
बीटा भी है इसमें? नहीं बीटा नहीं, सिर्फ इतना सा, ये जो होता है ना एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस आरएम, ये जो चीज है ना इसको अपन बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, इन शॉर्ट इसको एमआरपी बोलते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है। वो आपको एक्सपेक्टेड एमआरपी दे देंगे, ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे देंगे, उसकी कोई भी अमाउंट दे देंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल देंगे, फिर वो आपको रिस्क फ्री रेट बता देंगे, ठीक है, कुछ भी, और आपको बीटा दे देंगे, समझो पॉइंट बन दिया। और फिर वो बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एसेट कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे वहां पे ना, यू विल गेट कंफ्यूज कि अरे मेरे पास एक्सपेक्टेड मार्केट रेट तो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न तो है ही नहीं। मैम आप तो खाली एमआरपी बता रहे हो, तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड एमआरपी दिया हुआ है। अरे वही मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड एमआरपी और एमआरपी में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ, इधर कोई एमआरपी कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सपेक्टेड एमआरपी और एमआरपी में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि एग्जाम में ऐसे पूछेंगे। तो इसका एमआरपी और एक्सपेक्टेड एमआरपी दोनों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एमआरपी और एक्सपेक्टेड एमआरपी सही सेम है, अभी के लिए सेम है, अभी के लिए यही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मतलब लेवल 1 के लिए या फिर इस लेवल चैप्टर के टू में लिए? भी, लेवल टू में भी नहीं पूछेंगे, लेवल टू में भी नहीं पूछेंगे, अभी अपने माइंड को क्लियर रखो कि एमआरपी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड एमआरपी, ठीक है, या तो वो आपको एमआरपी बोलेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया, या वो बोलेंगे तो इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड एमआरपी इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू बता सकते हैं, अभी अपन एग्जांपल करेंगे वैसे, ठीक है। तो जब एक्सपेक्टेड एमआरपी दिया हो ना, तब क्वेश्चन में ये मत ढूंढना कि मुझे एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न नहीं मिल रहा, तो अब उस टाइम पे आपको एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिस्क फ्री रेट हमेशा देंगे, बीटा हमेशा देंगे, लेकिन हो सकता है कि एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न ना दे अगर आपको एमआरपी दे रखा है तो, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना इस चीज पे, यस अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे ना तो भी पता चल जाएगा। देखो आज मैं खुद कंफ्यूज हुई हूँ इस चीज को लेके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब एक्सपेक्टेड ये मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हो, तो वहां पे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न नहीं ढूंढे, या तो वो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न देंगे, आरएफ भी देंगे, बीटा भी देंगे, तीनों चीजें देंगे क्वेश्चन में। और ये इसके नीचे पैराग्राफ ये काम का है जल्दी से ब्लैंक से जो क्या फॉर्मूला के नीचे जो पैराग्राफ है वो काम का है? बता रही हूँ उसमें यही बता रखा है, उसमें कुछ खास नहीं बताया है, बता रही हूँ, ठीक है। ये रिस्क फ्री रेट है, आरएफ अपना रिस्क फ्री रेट है, ये जो है अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो हमारा एसेट है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको हम बोलते हैं ईआरआई, ठीक है। ये सब टर्म याद रखना, मैं इतना इंसिस्ट करके समझा रही हूँ, कोई भी टीचर नहीं समझाता है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरे को खुद को किसी ने नहीं बताया आज तक, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एसेट है, पर रो मत चलो अभी, ठीक है, समझो इन्वेस्टमेंट हो गया अपना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एसेट सब इक्वल टर्म्स है, ठीक है, सब सेम टर्म्स है, सबका मतलब सेम होता है। फिर अपने पास आता है ये एमआरपी, देखो जो मैं बता रही थी मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, ये अपने पास आ गया मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये है अपने पास बीटा, बीटा क्या सिस्टमिक रिस्क बताता है, और ये जो है ना द एक्सपेक्टेड रिटर्न ईआरआई, अब ईआरआई हमेशा आपको ये ऐसे नहीं दिया होगा कि असेट का रिटर्न है, उसके दो टर्म्स ये भी यूज हो सकते हैं, पहला होगा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, या तो हर्डल रेट। अब कैपेम में क्या होता है ना,
देखो ईआरआई के मैं बता देती हूँ, या तो ये एसेट का रिटर्न होगा, या तो ये एसेट पोर्टफोलियो, या तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। ठीक है, इस टर्म को क्वेश्चन में कैसे कैसे दे सकते हैं ना, मैं सब बता दी। या तो ये आप लोग बोलेंगे, तो ये लोग बोलेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न होना चाहिए। या तो वो आपको, या तो फिर वो आपको बोलेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या तो फिर हर्डल रेट। ठीक है, ये तीन वर्ड से आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ असेट पूछेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अभी तक सब टर्म्स क्लियर हो गए? ये जो है अपना, ये क्या होता है, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, बट एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। समझ में आई मेरी सारी बातें? क्लियर? क्या शिवम, क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या? हाँ, जैसे आपने बोला कि एमआर की एक्सपेक्टेड एमआर भी सेम है, तो आवाज नहीं वैसे आती ही आपने क्या? बोला, कि एमआर की एक्सपेक्टेड एमआर भी सेम है, तो हाँ वैसे ही आरएम और ईआरएम भी सेम होगा क्या? नहीं, वो सेम नहीं होगा। पहली बात तो ऐसे कभी देंगे ही नहीं एग्जाम में कि मार्केट रिटर्न दे दिया। वैसे अगर दे तो सेम मान के चलना, सेम मान के चलना, अभी के लिए सब सेम मान के चलना, लेकिन वो एक्सपेक्टेड ही लगाएंगे हर वर्ड के आगे, वो लोग एक्सपेक्टेड लगाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वैसे सेम होगा क्या? क्या? वैसे सेम होगा क्या? हाँ वैसे सेम होगा। देखो अगर वो आपको बोले ना मार्केट रिटर्न, तो भी इसको यही समझना और एक्सपेक्टेड को भी यही समझना। ठीक है, वैसे सेम समझना, बट स्टिल मैं एक बार ये कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, मुझे एक बार थोड़ा कंफर्मेशन खुद को भी चाहिए इसका, मैं कल कंफर्म करके बताती हूँ। हाँ, एमआरपी और आरएम दोनों का बोर्ड देख लेना। हाँ मैं एक बार दोनों का कल कंफर्म करके बताऊंगी। अब देखो, अभी यहाँ पे ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड भी चलो बता ही देती हूँ। अब इतना मैंने बताया तो मैं और ये भी बता ही देती हूँ। आज अपनी क्लास बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, बट ये क्या है ना, कंसेप्ट समझाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। क्या है? एक पेज और ऐड कर लेते हैं। देखो अब ये जो रिटर्न आता है ना अपने पास, ईआरआई का, ये अपना कैपेम का रिटर्न होता है। ये बातें सब अग्री कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि अपन कैपेम के लिए ही आंसर निकाल रहे हैं। ये कैपेम का रिटर्न होता है। ये क्या होता है, ये अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब इसके बाद क्या है ना, वो आपको आंसर आपको मिलेगा एक। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, ये एग्जाम्पल ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है, अज्यूम यू असाइन द टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग द स्टॉक ऑफ स्काई एयर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, हमें स्टॉक को इवेल्युएट करना है। अब इसमें क्या करा है, अपन फाइंड, इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपेम के हिसाब से, कैपेम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने को फाइंड आउट करना है। अपने पास देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न नहीं दिया है, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इन लोगों ने क्या दिया है, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस आर है, ये इक्वल है। ठीक है, ये अपने को पूरी वैल्यू मिल गई, रिस्क फ्री रेट इन्होंने बोल दिया 4% है और बीटा है 1.5%। तो अपनी इक्वेशन कैसे बनेगी, कैपम का रिटर्न अपना कैसे बनेगा? अपन क्या करेंगे, आर है प्लस अपना जो एक्सपेक्टेड एमआरपी है, वो हो गया, और ये पूरा इनटू बीटा। समझ में आई मेरी बात? कुछ डाउट है? समझ लूंगा में आई ना? तो अभी अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, पुट
4% प्लस 5% इंटू 1.5। देखो यहाँ पे इन लोगों ने सेम किया, 4% को 0.04, 1.5 इंटू 5%, तो अपने पास आंसर आया 11.5%। अब ये अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, कैपएम के हिसाब से ये अपना कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, और इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं। अब अगर अपना 11.5 का हर्डल रेट आया तो ये अपना क्या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है, गिवन मार्केट रिस्क ऑफ स्काई एयर। अब समझो कि अब इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर ने जो रिटर्न प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्टर ने रिटर्न प्रेडिक्ट किया 11.5% अपना मिनिमम है, ठीक है, इन्वेस्टर ने बोला मुझे 14% चाहिए, तो ये क्या है, ये एक्सीड कर रहा है अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, ठीक है। अगर अपना रिटर्न, मतलब अपन ने समझो यहाँ पे 11.5 कर रखा है, ये बोल रहा है मुझे चाहिए 14, ठीक है, ये बोल रहा है मुझे 14% चाहिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे लेट मी ड्रॉ, क्या मैंने वापिस चालू कर दूंगा फिर से एक बार, ये निकालने के बाद वापिस बताओ ना, ये निकाल दिया इसके बाद मैं आगे वापिस बताऊँ। क्या निकाल दिया, ये यहाँ तक समझ में आया, 11.5% तक, हाँ, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक समझ में आया ना, इसके बाद मैंने इसलिए यहाँ पे आई हूँ मैं, ठीक है, मेरा कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया 11.5%, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कि मेरा रिटर्न जो है, कि जो रिटर्न है, रिटर्न एक्सीड्स, मैंने अमाउंट रॉन्ग लिखी, एक्सीड्स कैपिम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और हर्डल रेट, ठीक है, जो भी बोलो, समझो वो आप बोलता है 14% है, ठीक है। तो अगर इन केस ऐसा हुआ कि रिटर्न जो प्रेडिक्टेड है वो एक्सीड करता है हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एसेट है ना, हम हमारे एसेट को बोलेंगे एसेट इज अंडर वैल्यू। ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, एसेट इज अंडर वैल्यू, समझ में आई मेरी बात, क्योंकि अपने पास तो रिटर्न है, अपना रिक्वायर्ड रिटर्न है 11.5%, ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि 11.5% मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर क्या बोल रहा है कि उसको तो 14% मिल रहा है, 14% मिल रहा है, मतलब एसेट की वैल्यू जो हम जो आज की तारीख में अगर मैं समझ रही हूँ 100 है, इसका मतलब 100 नहीं है, 100 से कुछ ऊपर है, हो सकता है 102 है, तो अभी मेरी एसेट की जो वैल्यू है इट इज अंडर वैल्यू। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है, यस इट इज अंडर वैल्यू। देखो यहाँ इन लोगों ने यही लिखा है, इफ इन्वेस्टर प्रेडिक्ट्स दैट रिटर्न विल एक्सीड 11.5%, दे शुड बाय। अंडर वैल्यूड है तो क्या है, अगर कोई मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आने वाले टाइम में वो अपनी वैल्यू पे वापस तो आएगा, मीन रिवर्शन के हिसाब से कोई एसेट अगर आज की तारीख में अंडर वैल्यूड है तो वो अपनी वैल्यू पे आएगा तो सही, आज नहीं तो कल, बट वो बढ़ेगा ना, इसलिए मैं क्या बोलूंगी कि अगर मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आई विल बाय द एसेट, ठीक है, आई विल बाय द एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई विल बाय द एसेट। अब यही समझो, अगर मेरा रिटर्न, अगर इन्वेस्टर ने प्रेडिक्ट किया होता, लेट मी चेंज द कलर, इन्वेस्टर ने प्रेडिक्ट किया होता, ठीक है, प्रेडिक्ट की माय की जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न इज बिलो, ठीक है, रिटर्न इज बिलो 11.5%, इसका क्या मतलब होगा कि आज आज करंट सिचुएशन में समझो मेरा एसेट 100 रुपीज का है, मुझे 11.5% का रिटर्न दे रहा है,
आने वाले टाइम में 98 का होगा, डॉलर 98 का होगा, और ये रिटर्न मुझे देगा सिर्फ 10% का। मतलब मेरा जो एसेट की वैल्यू है वो नीचे गिरने वाली है, ठीक है। एसेट की वैल्यू, एसेट्स वैल्यू विल गो डाउन। तो क्या करोगे अगर ये सिचुएशन हुई, तो क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे? हाँ, सेल तो मेरा क्या डिसीजन होगा? आई विल सेल द एसेट। और इस सिचुएशन में हमारा एसेट ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? अब एक बार ये पढ़ो, अब एक बार ये पूरा पढ़ो और फिर मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से पढ़ा दूंगी, लेकिन इसमें क्या है कि अभी एक बार ये बात भी सुन लो कि ये जैसे मेरी सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ये मेरी सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। अगर मेरा कोई एसेट ओवर वैल्यूड है, देखो जैसे ये मेरा एसेट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल एसेट है। आइडियल सिचुएशन में एसेट यहाँ होगा। अगर मेरा एसेट यहाँ होगा, अगर मतलब मैंने जो वैल्यू किया, जो प्रेडिक्ट किया, अगर वो इधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। इसलिए ये याद रखना कि ये इन्वेस्टर का प्रेडिक्शन, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 11.5 था, यहाँ पे मेरा 10 है, इसका मतलब मेरा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे मेरा 14% आ रहा है, इसका मतलब मेरा अंडर वैल्यूड है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? यस मैम। ये क्या 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 शिवम? क्या क्या बोला आपने? मैंने ऐसा बोला कि देखो अगर मेरा एसेट है, मेरा एसेट यहाँ पे नॉर्मल 11.5%, मैंने क्या बोला, मेरा एसेट अगर नीचे आएगा, ठीक है, अगर इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कर रहा है कि रिटर्न नीचे होगा, 10% होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड आने वाले टाइम में, ये आने वाले टाइम में ये कम होगी। समझ में आया? ओवर वैल्यूड आने वाले हाँ टाइम में सेल होना है, मतलब मुझे सेल करना पड़ेगा, तो वो मैं हमेशा मेरी एसएमएल से नीचे आएगा। एसएमएल की जो लाइन है ना मेरी, उसके नीचे पॉइंट होगा, और अगर ऊपर पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब अंडर वैल्यूड है, मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। आई समझ में बात? एक बार ये पढ़ो। क्या हो गया क्या यहाँ तक? पूरा क्या ये पूरा हो गया ये भी? ये मैंने समझाया? अभी जो समझाया वही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ रीड करो, और फिर कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। एग्जैक्टली सेम चीज है। चलो मैं ही पढ़ा देती हूँ, छोड़ो मैं ही पढ़ा देती हूँ। वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था ये ERI, विच ऑलवेज लाइज ऑन द SML, ठीक है। ये हमेशा हमारी ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये हमेशा इसके ऊपर लाई करेगा। इफ एनालिस्ट डिटरमाइंस दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अगर एनालिस्ट जो है या फिर अपना इन्वेस्टर है, वो कुछ और प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, वो बोलेगा या तो मेरा रिटर्न कम होगा या मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होगा, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी को बोलेंगे कि हमारी सिक्योरिटी इज मिसप्राइस्ड, ठीक है। अगर इन्वेस्टर के प्रेडिक्शन कुछ और है, तो हम उसे उस सिचुएशन में बोलेंगे कि माई सिक्योरिटी इज मिसप्राइस्ड। अब मिस प्राइस है तो इधर इट विल बी ओवर वैल्यूड और इट विल बी अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड होगी तो क्या होगा हमारी सिचुएशन, एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी वुड हैव रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूटेड बाय कैप, मतलब अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट या फिर अपना हर्डल रेट, ठीक है, हर्डल रेट से ज्यादा होगी, हायर देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी विल प्लॉट बिलो द SML। समझ में आई मेरी बात? यस यहां से ही समझाती हूँ, देखो यहीं से समझो। यहाँ पे क्या था, आ गई आ देखो गई। आ गई ना। और अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी होगी तो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है मेरा कैपम,
वो जो मैंने प्रेडिक्ट किया है ना उससे कम होगा, उससे कम होगा, मतलब 11.5 14% इन्वेस्टर का जो प्रेडिक्शन था उससे कम है। समझ में आ रही है बात? ये मेरा 11.5, जब बाद में पढ़ोगे ना तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं अभी इतनी अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ये मेरा 11.5% था और एनालिस्ट ने क्या डिटरमाइन किया था, 14% है। तो 11.5% इज लेस देन 14%। और इस सिचुएशन में क्या है, मेरा कैपएम का रेट क्या था, 11.5% इज हायर देन 10%। ये 10% और 14% आर द रेट्स डिटरमाइंड बाय एनालिस्ट, इसलिए ये अंडर वैल्यूड होगी और एसएमएल के ऊपर लाइक करेगा। समझ में आई मेरी बात? अब कल अब ये मेरे सब समझ में आ गया, बट हाँ मैम ओवर वैल्यूड होगा तो ऊपर क्यों आ जाना एसएमएल पे? नहीं, ओवर वैल्यूड होगा तो नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आने वाले टाइम में मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आएगी, नीचे होगी, इसलिए एसएमएल के नीचे प्लॉट होगा वो। और अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर टाइम में मेरी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वो एसएमएल के ऊपर प्लॉट होगा। समझ में आई बात? ओके हाँ, बट स्टिल कल भी एक बार, अभी एक बार पढ़ना खुद से, आज की क्लास के बाद एक बार पढ़ोगे ना तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे खुद से ही। पीडीएफ फॉर्म हाँ, मैं अभी आज क्लास क्रॉप में अभी ना, करके। मैं अभी को मुझे थोड़ा बाहर जाना है, नवरात्रि है ना, मैं आके पहले भेज दूंगी। ठीक है, मैं क्रॉप करके भेज देना आप, मतलब पूरा मत हाँ, भेजना क्योंकि मैं पूरे भेज, अरे ये चैप्टर का भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी पूरा, मैं रात तक भेज दूंगी। ठीक है, कल सुबह एक बार पढ़ना और फिर क्लास में आना, ठीक अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट है, अच्छे से मॉर्निंग। करना है। अरे मैं मॉर्निंग, मतलब मैं भेज दूंगी रात तक, तो कल सुबह देख अच्छा लेना, फिर उसके बाद शाम की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो। मैम गोइंग टू, मैं डांडिया नहीं करती, मैं जस्ट नवरात्रि में जाके खा के आ जाती हूँ वापस, स्टॉल लगती है ना। चलो चलो, अभी अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछना। ठीक है, चलो बाय। टेक केयर, बंद कर रही हूँ, ठीक है, क्लास एंड कर रही बाय हूँ अभी, बाय। बाय।